बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेक्चर नंबर 27 एंड दैट इज इंटरप्रेटिंग द टेस्ट स्कोर्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सिक्स चैप्टर प्रॉपरली। इट इज द फर्स्ट हेडिंग ऑफ आवर सिक्स चैप्टर। इट्स द टॉपिक इन द आउटलाइन दैट इज इंटरप्रेटिंग द टेस्ट स्कोर्स, यानी कि टेस्ट स्कोर्स की इंटरप्रिटेशन किस तरह की जाती है। दीज आर द आउटकम्स। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट ऑफ टेस्ट एंड स्कोर्स, डिफरेंस इन NRT एंड CRT एंड डिफरेंट टेस्ट इंटरप्रिटेशन मैथड्स। टेस्ट इंटरप्रिटेशन। टेस्ट इंटरप्रिटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग स्कोर्स इन अ टेस्ट एंड ट्रांसलेटिंग क्वालिटेटिव डेटा इन टू क्वान्टिटेटिव एंड ग्रेडिंग इन टू न्यूमेरिकल स्कोर। इंटरप्रिटेशन इज सेम एज टेस्ट इंटरप्रिटेशन। Test interpretation, in order to determine how well a student performed in a test, हम उसके लिए डिफरेंट तरह के टेस्ट जो हैं वो बच्चों के लिए बनाते हैं, और उन टेस्ट के जो रिजल्ट होते हैं, जो स्कोर्स होते हैं, उनकी हम फिर इंटरप्रिटेशन करते हैं। अगर आप क्वालिटेटिव डेटा लेते हैं तो उस क्वालिटेटिव डेटा को क्वांटिटेटिव डेटा की सूरत में, और अगर आपके पास ग्रेडिंग्स हैं तो उन ग्रेडिंग्स को न्यूमेरिकल डेटा में हम शो करते हैं। स्कोर इंटरप्रिटेशन इज सेम एज द टेस्ट इंटरप्रिटेशन। नाउ व्हाट आर द स्कोर्स? अ समरी ऑफ द एविडेंस कंटेन्ड इन एन एग्जामिनर्स रिस्पॉन्सेज टू द आइटम ऑफ अ टेस्ट दैट आर रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्ट और कंस्ट्रक्ट्स बीइंग मेजर्ड। स्कोर्स वो एविडेंसेस और वो रिस्पॉन्सेज होते हैं हमारे पास, जो एक पेपर में एक मार्क की सूरत में हम किसी स्टूडेंट को कंट्रीब्यूट करते हैं कि उसने कितने मार्क्स लिए हैं, उसको क्या नंबर हम असाइन करते हैं, और किस तरह की क्वालिटी गुड बेटर बेस्ट की सूरत में हम देते हैं। उसके लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ एज नेम्ड एज स्कोर्स। अब स्कोर्स की हमारे पास कितनी टाइप्स होती हैं? बेसिकली स्कोर्स की हमारे पास टू टाइप्स होती हैं। एक को हम रॉ स्कोर्स कहते हैं और एक को हम स्केल्ड स्कोर्स कहते हैं। रॉ स्कोर्स आर बेसिकली द नंबर ऑफ पॉइंट्स रिसीव्ड ऑन अ टेस्ट व्हेन द टेस्ट हैज बीन अकॉर्डिंग टू डायरेक्शंस। रॉ स्कोर्स आर बेसिकली न्यूमेरिकल समरी ऑफ स्टूडेंट्स टेस्ट परफॉर्मेंस। It describes individual's test performance. It specify levels of performances through which we can get percentage of the score. Raw score measures clearly stated learning tasks. These analyze each student's response. And we can show these scores in a tabulation way. The number of points received on a test when the test has been recording or according to directions. For example, a student got 10 out of a 20 score in item quiz. Raw score reflect an immediate interpretation as a response to the scores. It does not yield a meaningful interpretation because it just raw score. We have to interpret early score in a more descriptive and meaningful way. अब देखें कि जो हमारा टेस्ट रॉ स्कोर होता है उसको फौरी तौर पे हम कहते हैं कि एक बच्चे ने एक टेस्ट क्विज में से 20 में से 10 नंबर ले लिए हैं। दिस इज एन इमीडिएट रिस्पॉन्स। एक बच्चे की कैलिबर और उसकी काबिलियत को फौरी तौर पे आप बताने के लिए कहते हैं कि इसने 50% स्कोर ले लिए हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आप इस तरह के जिसमें आप 20 में से 10 ले रहे हैं, आपको इसमें किसी किस्म की इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। देन द सेकेंड वन इज स्केल्ड स्कोर। स्केल्ड स्कोर आर द रिजल्ट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यूजुअली ट्रांसफॉर्म्ड थ्रू अ कंसिस्टेंट स्केल।
इसकी एग्जांपल में हमारे पास आती है अ चाइल्ड अवॉर्डेड स्केल स्कोर ऑफ 100 इज जज्ड टू हैव मेट द नेशनल स्टैंडर्ड इन द एरिया ऑफ जज्ड बाय द टेस्ट. अ चाइल्ड अवॉर्डेड स्केल स्कोर मोर देन 100 इज जज्ड टू हैव एक्सीडेड नेशनल स्टैंडर्ड एंड डेमोन्स्ट्रेटेड अ हायर देन द एक्सपेक्टेड नॉलेज करिकुलम फॉर देयर एज. अ चाइल्ड अवॉर्डेड स्केल स्कोर लेस देन 100 इज जज्ड टू हैव नॉट येट मेट द नेशनल स्टैंडर्ड एंड परफॉर्म बिलो द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम देयर एज. स्केल्ड स्कोर्स ऐसे स्कोर्स को कहते हैं जो कि किसी कंसिस्टेंट स्केल को मद्देनजर रख के हमें दिया जाता है. नाउ व्हाट टाइप्स ऑफ स्कोर इंटरप्रिटेशंस आर देयर. हमारे पास बेसिकली जो हमारे इंटरप्रेटिंग टेस्ट स्कोर्स हैं उसके दो मेथड होते हैं. आर रेफरेंसिंग फ्रेमवर्क इज अ स्ट्रक्चर यू कैन यूज टू कंप्यूट स्टूडेंट परफॉर्मेंस टू समथिंग एक्सटर्नल टू द असेसमेंट इटसेल्फ. Now here are we are having two basically interpretations. What are those? These are the norm reference interpretation frameworks and then the norm referencing and criterion reference interpretation frameworks. This is basically difference between norm referencing frameworking and criterion reference frameworking. When we talk about these two, then the difference is here that in norm reference frameworking we try to compare the results of students with some other student, and in criteria a student has to get his own criteria, his own marks himself. Individually किसी student के जिन marks को judge किया जाता है उसको criterion referencing framework में check किया जाता है, और जब students को एक norm provide किया जाता है कि आपके marks उसके marks से ज़्यादा या कम होने चाहिए, या दो students के marks को या तीन students के marks को किसी group के साथ आप कंपेयर करते हैं तो उसको हम नॉर्म रेफरेंसिंग फ्रेमवर्किंग का नाम देते हैं. नाउ व्हाट इज नॉर्म रेफरेंस इंटरप्रिटेशंस. नॉर्म रेफरेंस इंटरप्रिटेशन जो वर्ड नॉर्म है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड नॉर्मा. नॉर्मा मींस परसेप्ट और रूल. नॉर्म का मतलब है एक चीज, एक रूल, एक लॉ किसी चीज से डिराइव कर लेना, दैट इज नेम्ड एज नॉर्म, नॉर्मा. अ नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट tends to be general as it covers a wider scope of content measuring a variety of skills. Most widely used norm-referenced framework tells us how an individual compares with other students who have taken the same test. How much the student knows is determined by his standing or rank within the reference group. This means that student score is not treated individually but as a part of the group where the student belongs. Norm group, the well-defined group of other student is named as a norm group. Basically, ranking the scores of student from highest score to the lowest, one provides an immediate sample for norm reference interpretation. However, barely ranking raw scores to interpret students' performance formally is not proper and valid way in norm reference test. इसके अंदर आप raw score को interpret नहीं करते. The raw scores are converted to a derived score. जो हमारे raw scores होते हैं, उनको एक derived score के अंदर convert किया जाता है. And a derived score is a numerical report of test performance on a score scale that has well-defined characteristics and yields normative meaning, जिसमें आप student के results को किसी normative meaning के साथ show कर सकते हैं. और normative meaning में जो बहुत ज़्यादा common types हैं norm reference framework की, उसके अंदर हम students को grade देते हैं, उनके percentile norms निकालते हैं, स्टैंडर्ड स्कोर नॉर्म्स निकालते हैं, और उसके लिए स्टैनन्स वगैरह हम यूज़ करते हैं. ठीक है, जैसे अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स हैं तो उनको अगर ग्रेडिंग करेंगे तो वो 5.5 ग्रेड में जाएंगे. उसके परसेंटाइल मार्क्स 85% हैं, हायर देन दैट. और अगर स्टैंडर्ड स्कोर नॉर्म है तो वो नॉर्मल कर्व के ऊपर शो हो रहा होगा, और स्टैनन्स में वो 9 पे जाएगा. जैसे हम नेक्स्ट स्टेप्स पे परसेंटाइल, परसेंटेज, ग्रेडिंग और रैंकिंग, इन चीज़ों को जैसे जैसे आगे हम क्लियर करेंगे, ये चारों टर्मिनोलॉजीज आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी. नाउ व्हाट आर द बेसिकली एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉन रेफरेंस्ड इंटरप्रिटेशंस.
एडवांटेजेस आर इट इज़ वेरी इजी टू यूज़, इट इज़ अप्रोप्रिएट टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट दैट इज़ मोर देन 40, इट इंक्रीजेज द हेल्दी कंपटिशन अमंग द स्टूडेंट्स, द टीचर इजीली आइडेंटिफाइज लर्निंग क्राइटेरिया द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु रिसीव हाइएस्ट ग्रेड और लोएस्ट ग्रेड्स, क्योंकि इसमें हम बड़ी आसानी के साथ स्टूडेंट्स को कंपेयर करके उनकी परसेंटेजेस निकाल के परसेंटाइल रैंक के जरिए उनको क्लियर कर देते हैं. एंड वट आर द बेसिकली डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉर्म रेफरेंस इंटरप्रिटेशन फ्रेमवर्क्स आर द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट इज नॉट ओनली डिटर्मेंड बाय हिज अचीवमेंट बट ऑल्सो द अचीवमेंट ऑफ द अदर स्टूडेंट्स. आपको बच्चे की सिर्फ अपनी अचीवमेंट को डिटर्मिन नहीं करना बल्कि आप उसको दूसरे स्टूडेंट्स और दूसरे ग्रुप के स्टूडेंट्स के साथ कंपेयर करते हैं. कंपैरिजन की वजह से बच्चे को अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है. इट प्रमोट्स इंटेंस कंपटीशन अमंग द स्टूडेंट्स रादर देन कॉपरेशन. ऑब्वियसली व्हेन दे विल दे हैव टू कम्पीट अदर स्टूडेंट्स देन देर वुड बी एन एटमोस्फेयर ऑफ कंपटीशन बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड दे विल नॉट ready to cooperate with each other at any cost. It cannot be used when the class size is smaller than 40. Norm reference criterias, norm reference interpretation frameworks are not applicable if the class size is less than 40 or the group size is less than 40. Not all the students can pass the given subject or course. And of course, this is a normal thing, this is a normal disadvantage that all students do not have capability to pass out the same subject or course with the same marks. Then there is the second framework, and that framework is CRT or Criterion Reference Interpretation Framework. This word criterion is derived from the word Greek word criterion. Criterion means a standard. एक standard, एक हमारे पास किसी चीज़ को check करने के लिए एक limit, एक हमारा एक हद हमारी मुकर्रर कर देना. That is named as criterion reference test. Criterion reference test is normally most widely used interpretation because of its ease of computation and there is a ready transmission ट्रांसपोर्टेशन टेबल इसके अंदर होते हैं प्रिंटेड एट द इनसाइड बैक ओवर द टीचर्स क्लास रिकॉर्ड. अ क्राइटेरियन रेफरेंस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्कोर्स और फ्रेमवर्क रिक्वायर्स द कंपैरिजन ऑफ अ पर्टिकुलर स्टूडेंट स्कोर विद सब्जेक्टिव एंड प्री डिटरमिंड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स लाइक क्राइटेरियाज. क्राइटेरियन रेफरेंस एंड स्टैंडर्ड बेस्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ टेस्ट रिजल्ट आर मोस्ट मीनिंगफुल व्हेन द टेस्ट हैज बीन स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर दिस पर्पज. मास्टरी टेस्ट जनरेट क्राइटेरियन रेफरेंस इंटरप्रिटेशन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑल्टरनेट रिस्पॉन्स आइटम्स, शॉर्ट रिस्पॉन्स एंड एसेज एनेबल क्राइटेरियन रेफरेंस इंटरप्रिटेशन सिंस दीज टेस्ट फॉर्मेट्स कैन बी यूज टू मेजर स्पेसिफिक बॉडी ऑफ नॉलेज और स्किल्स सेट द स्टूडेंट्स हैव एक्वायर्ड. क्राइटेरियन रेफरेंस स्कोर्स इंक्लूड परसेंटेज करेक्ट स्पीड ऑफ परफॉर्मेंस, क्वालिटी रेटिंग एंड प्रिसीजन ऑफ परफॉर्मेंस. It describes students' performance according to a specified domain or clearly defined learning tasks. It concerned with national examination and other assessment bodies. It is used in the assessment of vocational and academic qualifications. Its results are given on a pass-fail, competent, not competent basis. Results are conclusive and usually open to review. ठीक है, इसके जो आपके स्टूडेंट की परफॉर्मेंस है उसको स्पेसिफाइड डोमेन के साथ चेक करने के लिए हम सीआरटी या सीआरएफ क्राइटेरियन रेफरेंस फ्रेमवर्क्स जो हैं वो यूज़ करते हैं. इसमें हम नेशनल एग्जामिनेशंस और जो नेशनल असेसमेंट बॉडीज़ होती हैं वो मोस्टली क्राइटेरियन रेफरेंस इंटरप्रिटेशंस को यूज़ करती हैं, और जो आपके स्टूडेंट्स की वोकेशनल और अकेडेमिक क्वालिफिकेशंस होती हैं उनको चेक करने के लिए भी हम नॉर्मली क्राइटेरियन रेफरेंस फ्रेमवर्क जो है उसको यूज़ करते हैं. इसके रिजल्ट नॉर्मली पास फेल की सूरत में, कम्पिटेंट या इनकम्पिटेंट की सूरत में भी बच्चों को दिए जा सकते हैं. ये एक ऐसा तरीकाकार है जो कि नॉन रेफरेंस टेस्टिंग से ज़्यादा आसान है. नॉन रेफरेंस इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम क्राइटेरियन रेफरेंस, दैट्स वाई मोस्टली पीपल यूज क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग विद ईज. Now, what are the advantages and disadvantages of criterion reference interpretation? First of all, we will discuss about the advantages. The performance of the student will not be affected by the performance of the whole class.
एक बच्चे को सिर्फ अपने काम और अपनी एफर्ट और अपना जो उसका अचीवमेंट है उसके साथ उसका मकसद होता है। इससे स्टूडेंट को दूसरे बच्चों की परफॉर्मेंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। इट प्रोमोट्स कोऑपरेशन अमंग द स्टूडेंट्स। एज यू नो दैट इन नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग वी ट्राई टू प्रोमोट अ कंपटीशन इन द स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स ऑलवेज ट्राई टू कम्पीट विद ईच अदर, एंड दैट टाइप ऑफ टेस्टिंग इज फार फार फ्लंग फ्रॉम द कॉपरेशन। बट थ्रू क्राइटेरियन रेफरेंस इंटरप्रिटेशन फ्रेमवर्क स्टूडेंट्स के अंदर हम कॉपरेशन को प्रमोट कर सकते हैं, और स्टूडेंट एक दूसरे के साथ कॉपरेटिव होकर चलते हैं। ऑल स्टूडेंट्स में पास अ सब्जेक्ट और कोर्स व्हेन दे मीट द स्टैंडर्ड सेट बाय द टीचर, और टीचर के सेट किए हुए स्टैंडर्ड के मुताबिक इट इज़ वेरी इजी एंड वेरी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स टू मीट दो स्टैंडर्ड्स, और टीचर के बताए हुए जो भी ऑब्जेक्टिव और जो आउटकम्स हैं उनके मुताबिक स्टूडेंट इस तरह के टेस्ट को बआसानी पास भी कर लेते हैं। नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ क्राइटेरियन रेफरेंस इंटरप्रिटेशन? इट इज़ डिफिकल्ट टू सेट अ रीजनेबल स्टैंडर्ड इफ इट इज़ नॉट स्टेटेड इन द ग्रेडिंग पॉलिसीज ऑफ द इंस्टीट्यूशन। अगर आप इसको इंस्टीट्यूशन की ग्रेडिंग पॉलिसीज के मुताबिक सेट नहीं करते तो ये इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सेट, ठीक है? इससे किसी किस्म का कोई स्टैंडर्ड नहीं बनता बिकॉज़ ये टीचर टू टीचर वेरी कर जाता है। ऑल स्टूडेंट्स में नॉट पास अ सब्जेक्ट और कोर्स व्हेन दे डू नॉट मीट द स्टैंडर्ड सेट बाय द टीचर और द इंस्टीट्यूशन, ठीक है? सारे स्टूडेंट्स सब्जेक्ट को पास करने की सलाहियत नहीं रखते, चाहे वो उन स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हो या ना कर रहे हो, बट टीचर और इंस्टीट्यूशन के लिए इस तरह की रेफरेंसिंग को प्रिपेयर करना बहुत इजी टास्क नहीं होता। बट दीज टाइप ऑफ क्राइटेरियंस रेफरेंस इंटरप्रिटेशन फ्रेमवर्क्स आर फार मच इजियर देन NRT, जिसको हम नॉर्म रेफरेंस बेस्ड टेस्टिंग कहते हैं, उससे बहुत आसान होता है CRT को पास आउट करना। क्राइटेरियन रेफरेंस्ड स्कोरिंग यूजेस द कंटेंट ऑफ द टेस्ट इटसेल्फ एज अ बेसिस ऑफ कंपैरिजन फॉर असेसिंग द स्टूडेंट्स लेवल ऑफ अचीवमेंट। दस अ कंटेंट रेफरेंस स्कोर ऑफ 80% मीन्स दैट द स्टूडेंट करेक्टली आंसर्ड 80% ऑफ द आइटम्स ऑन द टेस्ट। द मोस्ट कॉमन ऑफ ऑल मेथड्स ऑफ टेस्ट एनालिसिस कंटेंट रेफरेंस्ड या जिसको हम कहते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस स्कोरिंग इज यूज इन टू डिटर्मिन द लेवल ऑफ अचीवमेंट एट विच टू बिगन अ स्टूडेंट, टू डिटर्मिन हाउ मच अ स्टूडेंट हैज लर्न फ्रॉम गिवन सेक्शन ऑफ मटीरियल, एंड टू डिटर्मिन अ स्टूडेंट्स पोटेंशियल इन अ गिवन फील्ड, ठीक है? ये हमें एक स्टूडेंट की जो पोटेंशियल है उसके बारे में बताता है, एक स्टूडेंट जो मटेरियल से लर्न करता है उसके बारे में बताता है कि उसने कितना लर्न किया है, और जो हमारे क्राइटेरियन रेफरेंस फ्रेमवर्क होते हैं उससे स्टूडेंट की जो बिगिनिंग अचीवमेंट्स होती हैं हम उनका अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन 80% जो हम स्टूडेंट के स्कोर्स हैं उनको बआसानी क्राइटेरियंस रेफरेंस टेस्टिंग के साथ जो है वो कर सकते हैं। टेस्ट इंटरप्रिटेशन इज नॉट एन ईजी टास्क, ठीक है? जब हमारे पास डिफरेंट तरह के टेस्ट स्टूडेंट से कलेक्ट होके आते हैं तो फिर उन टेस्ट के लिए हम लोग NRT या CRT के ज़रिए उनको देखते हैं, फिर उसके बाद हम स्टूडेंट के जो NRT और CRT हैं उसके बाद हम स्टूडेंट के ऊपर परसेंटेज, उनका परसेंटाइल किस तरह निकलेगा, उनकी रैंकिंग किस तरह होगी, उनको ग्रेड किस तरह दिया जाएगा। जो स्टूडेंट के ग्रेड्स हैं उनमें डिफरेंट तरह के टी टेस्ट, जेड टेस्ट और इस तरह की चीज़ें किस तरह लगाई जाती हैं, और उसके बाद हम उनकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन किस तरह से देते हैं। जब स्टूडेंट के स्कोर्स, रॉ स्कोर्स हमारे पास आते हैं, रॉ स्कोर्स किस बेसिस पे हम गेन करते हैं, NRT या CRT की बेसिस पे रॉ स्कोर्स गेन करते हैं। उन रॉ स्कोर्स को हम समटाइम्स स्केल्ड स्कोर्स में शामिल करना चाहते हैं, और स्केल्ड स्कोर्स में शो करने के लिए हमें उनके ऊपर कोई ना कोई फार्मूला या कोई ना कोई स्टैटिस्टिकल जो हमारी इंटरप्रिटेशंस हैं वो लगाना पड़ती हैं, और उन स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन को अब हम अपने कमिंग चैप्टर्स इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। हम और अपकमिंग टॉपिक वुड बी परसेंटेजेस। परसेंटेजेस क्या होती हैं, उनको किस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं। नॉर्मली हम लोग फोर्थ फिफ्थ क्लास से बच्चों को परसेंटेज का फॉर्मूला बताना शुरू कर देते हैं, बट एज पार्ट ऑफ योर आउटलाइन वी हैव टू डिस्कस दीज ऑल थिंग्स अगेन एंड अगेन, एंड इंशाल्लाह इन आवर कमिंग लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द परसेंटेजेस एंड सो ऑन। कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, कोई भी आप मुझसे क्यूरी चाह रहे हो तो काइंडली आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप मुझसे फेसबुक
फेसबुक पे या यूट्यूब पे कहीं पे भी आप मुझे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर पैशन, थैंक यू, टेक केयर। दीज आर बेसिकली, यहाँ पे मैंने रेफरेंसेस भी दिए हुए हैं, अगर आप में से कोई खुद गो थ्रू होना चाहे तो आप उनमें से गो थ्रू हो सकते हैं।